Students, today we have to start chapter number 7, HTML, and it is the second part. It is the second part of the HTML chapter. First part में हमने क्या दिखा था? Heading tag. अब देखेंगे हम लोग paragraph tag. तो paragraph tag में क्या होता है? Paragraph tag simply used to make paragraph in your HTML documents. Paragraph tag जो है, वो paragraph HTML documents में paragraph बनाने के लिए use होता है. By using this tag, you can manage your content in your browser like a paragraph. आप paragraph tag use करेंगे तो आपके जो documents में documents contain your content in your browser like a paragraph. आप अपने browser में भी इसको maintain कर सकते हैं. It means you can manage your web page like a बुक और मेक इट इफेक्टिव एंड अट्रैक्टिव. जो आपका वेब पेज है उसको एक बुक की तरह आप रख सकते हैं और उसको इफेक्टिव एंड अट्रैक्टिव बना सकते हैं. एग्जांपल देखिए पैराग्राफ टैग का. एचटीएमएल हेडिंग टाइटल माय फर्स्ट पैराग्राफ, टाइटल फिनिश, हेडिंग फिनिश. देन दिस इज सिंपल पैराग्राफ दैट इज मीन टू बी नाइस एंड ईजी टू टाइप, विच इज वाई हियर वी विल बी momus, no period or any capital letter. So I guess this means that it is cannot really for considered a paragraph but just a series of run on sentences. This should help you get fast at typing, as I am trying not to use too many difficult word in it, although I think that I might start making it hard by including some more difficult letter. तो इस तरह से आपको यहाँ पे paragraph लिखना है. Now save this file. फिर आपको ये save करना है with extension .html और htm. जो html file होती है उसको .html या फिर html इस तरह से आपको save करनी है. Then open it in your web browser internet. आपको फिर वेब ब्राउज़र पे ये ओपन करना है. यू विल गेट आउटपुट लाइक गिवन बिलो. फिर इसका आउटपुट आपको किस तरह से दिखेगा? जो पैराग्राफ लिखा था इसका आउटपुट आपको इस तरह से दिखेगा. वो जो एचटीएमएल टैग और ये सब आया था ना, वो नहीं दिखेगा. देन एम्प्टी टैग. द टैग्स विच हैव ओनली वन पार्ट ऑफ स्टार्टिंग टैग विच कंटेन द डिटेल ऑफ इंफॉर्मेशन आफ्टर इट इज नोन एज एम्प्टी टैग. जो हम स्टार्टिंग टैग देते हैं, डिटेल जिसमें होती है कंटेंट डिटेल और इन्फॉर्मेशन, तो उसे कहते हैं एम्प्टी टैग. समटाइम दिस टैग डज नॉट कंटेन एनी वैल्यू और डिटेल. कभी कभी इस टैग की कोई वैल्यू भी होती है और कोई डिटेल भी नहीं होती. दिस टैग डज नॉट, उसको कैसे इंडिकेट करते हैं? बी आर. दिस टैग डज नॉट नीड एनी एंडिंग टैग बट इट कैन बी यूज इन सेम मैनर इन नॉन एम्प्टी टैग बाई यूजिंग स्टार्टिंग एंड एंडिंग टैग. इस टैग में कोई एंडिंग टैग होना है ये नीड नहीं होता है. बट ये किस लिए यूज़ होता है? सेम मैनर एज नॉन एम्प्टी टैग बाई यूजिंग स्टार्टिंग और एंडिंग टैग. इसमें इसको सेम मैनर में लिख सकते हैं, स्टार्टिंग और एंडिंग में, पर ये ज़रूरी नहीं होता है. देन ब्रेक टैग बी आर. अ बी आर एलिमेंट इज एच टी एम एल प्रोडक्ट. A line break in HTML, it creates a single line breakup in a block of text. ये जो होता है HTML में ये element br element line break के लिए use होता है. ये single line बनाता है जो block को break करता है. It is useful to make paragraph or take new line in web page. तो ये पेज ब्रेक हो जाएगा, लाइन ब्रेक हो जाएगी, उससे हमें पैराग्राफ चेंज करने के लिए यूज़ होता है ये, या फिर न्यू लाइन आपको लिखनी है तो उसके लिए यूज़ होता है. डू नॉट यूज़ बी आर टू इंक्रीज द लाइन बिटवीन टू वर्ड्स. यू कैन स्टार्ट न्यू लाइन विच इट. बी आर इज एन एम्प्टी टैग दैट मीन्स इट हैज़ नो एंड. ये बी आर ऑप्शन जो होता है वो लाइन ब्रेक करने के लिए होती है, जहाँ से आप पैराग्राफ स्टार्ट कर सकते हैं या फिर दूसरा सेंटेंस लिख सकते हैं. बट आपको टू लेटर्स टू वर्ड्स के बीच में आपको लाइन बनानी है, उसके लिए ये ऑप्शन आपको यूज़ नहीं करना है. बी आर इज एम्प्टी टैग दैट मीन्स इट हैज़ नो एंड. ये एम्प्टी टैग है, इसका एंड नहीं होता है, इसका मतलब इसका एंड नहीं है बी आर टैग.
फॉर एग्जाम्पल देखिए, ना ओपन द नोट पैड एंड टाइप द गिवन कोड. नोट पैड में हम ये लिखेंगे HTML, हेडिंग, टाइटल, टाइटल हेड, बॉडी, माई नेम इज़ जेमिन, PBR empty टैग, माई फादर नेम इज़ प्रवीण भाई, फिर से ये empty टैग, माई सिस्टर नेम, बॉडी एंड /HTML. /HTML मतलब फिनिश द प्रोग्राम, एंडिंग ऑफ प्रोग्राम. नाउ सेव दिस कोडिंग बाय यूजिंग गिवन स्टेप. अब इसको सेव कैसे करेंगे? फर्स्ट करेंगे, फाइल में जाएंगे. फर्स्ट ये नोट पैड की स्क्रीन है, नोट पैड विंडो. फिर उसमें आप इसमें फाइल में जाएंगे, उसके बाद गो टू द सेव ऑप्शन, फाइल ऑप्शन, देन गो टू द सेव ऑप्शन. फिर जहाँ पे आपको सेव करना है डॉक्यूमेंट्स वो पोर्शन आ जाएगा. देन नाउ गिव योर नेम, योर फाइल नेम विथ एक्सटेंशन. फिर आप एक्सटेंशन के साथ फाइल नेम देना है .html और .htm एंड क्लिक ऑन सेव बटन. तो इस तरह से आपका डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा. नाउ ओपन सेव फाइल टू प्रीव्यू ऑफ ब्रेक टैग. अब आपको ब्रेक टैग के साथ इसको देखना है, प्रीव्यू देखना है, तो उसको ओपन कैसे करेंगे? ओपन द इंटरनेट एक्सप्लोरर टू योर कंप्यूटर स्क्रीन. कंप्यूटर स्क्रीन पे इंटरनेट एक्सप्लोरर पे जाएंगे. फिर उसके बाद क्लिक ऑन फाइल मेनू एंड सिलेक्ट ओपन. फाइल मेनू में जाके सिलेक्ट करेंगे. और दूसरा है इंटरनेट एक्सप्लोरर में जाएंगे, यू कैन प्रेस हियर डायरेक्टली Ctrl+O टू ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स. फिर यहाँ पे Ctrl+O प्रेस करेंगे, देन ब्राउज में जाएंगे. Ctrl+O प्रेस किया, फिर ब्राउज में गए. नाउ ओपन डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर्ड ऑन योर स्क्रीन. फिर डायलॉग बॉक्स ओपन होगा. हियर ब्राउजर योर फाइल फ्रॉम वेयर यू हैव सेव इन योर कंप्यूटर. फिर ब्राउजर आएंगे जहाँ पे आपने आपका फाइल सेव की थी. नाउ क्लिक ऑन ओपन बटन. नाउ यू विल गेट प्रीव्यू लाइक गिवन बिलो. फिर आपका प्रीव्यू इस तरह से दिखेगा. माई नेम इज़ जयमीन, माई फादर नेम इज़ प्रवीण भाई, माई सिस्टर नेम इज़ डिम्पल. बीच वाला नहीं दिखेगा, एम्प्टी था. देन फॉर्मेटिंग टैग, बोल्ड, बी, इटैलिक, आई, अंडरलाइन, यू. ये हम यूज़ करेंगे तो इस पर इफेक्ट दिखेगा हमारे सेंटेंस पे. यू कैन यूज़ फॉर्मेशन टैग टू मेक इफेक्टिव एंड अट्रैक्टिव वेब पेज. इफ़ यू आर मेकिंग वेब पेज देन यू हैव टू बी मोस्ट फैमिलियर विथ गिवन टैग. आप अगर वेब पेज बनाते हैं तो ये तीनों टैग से आप जानते हैं इससे क्या हो सकता है. यू हैव टू बी मोस्ट फैमिलियर विद गिवन टैग. बाय यूजिंग बोल्ड यू कैन मेक योर टेक्स्ट डार्कन और बोल्ड. बाय यूजिंग इटैलिक यू कैन अप्लाई स्लैंटिंग इफेक्ट इन इट, ऑल्सो नोन एज कर्स यू फ्रॉम स्टाइल. बाय यूजिंग अंडरलाइन यू कैन गिव अंडरलाइन टू योर टेक्स्ट इन वेब पेज. बी से आपके डॉक्यूमेंट्स को बोल्ड इफेक्ट दे सकते हैं, इटैलिक से आप स्लैंटिंग इफेक्ट दे सकते हैं, या फिर कर्सिव भी लिख सकते हैं, और यू से अंडरलाइन कर सकते हैं आपके टेक्स्ट में, जो वेब पेज में आपके टेक्स्ट को आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं. ये तीनों टैग्स आप यूज़ करके आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो मोर इफेक्टिव एंड अट्रैक्टिव दिखा सकते हैं. HTML, हेडिंग, टाइटल, दिस इज फॉर्मेटिंग टैग. टाइटल, हेडिंग, बॉडी, बोल्ड स्टाइल, इटैलिक स्टाइल, अंडरलाइन स्टाइल, बॉडी एंड HTML. इसमें क्या होगा, फिर आपको ये फाइल जो लिखी आपने सेव करनी है. सेव करने के बाद आप उसको ओपन करेंगे ब्राउजर में तो आपकी फाइल इस तरह से देखिए बोल्ड इफेक्ट, इटैलिक इफेक्ट एंड अंडरलाइन इफेक्ट. तो ये तीनों ऑप्शन देने के लिए भी आपको इस तरह से प्रोग्राम लिखना पड़ेगा. तो आपको इस तरह से दिखेगा हमारा रिजल्ट, प्रीव्यू ऐसा आएगा. तो यहाँ पे चैप्टर फिनिश होता है. अब हम एक्सरसाइज देखते हैं. फिल अप द सर्कल ऑफ राइट ऑप्शन विथ ब्लैक पेन. विच काइंड ऑफ लैंग्वेज इज HTML? HTML कौन सी लैंग्वेज है? फ्री लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज और वेब बिल्ड लैंग्वेज. विच काइंड ऑफ लैंग्वेज इज HTML? फ्री लैंग्वेज. HTML इज द फ्री लैंग्वेज. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टैग्स आर रिक्वायर्ड कंपल्सरी टू क्रिएट HTML प्रोग्राम? तो देर आर फोर टैग्स आर required to compulsory create HTML program. By which letter does paragraph tag is represent? P से paragraph indicate होता है. Which tag is represent the bold effect? तो B. Which tag is represent underline effect? U. And which effect represent the I tag? तो italic. Then title tag contains the fill in the blanks of the given HTML program. टाइटल टैग कंटेंट टाइटल.
When we want to create different sizes in font, we should use title or heading. Sizes change करने हैं तो आप heading tag, create heading different sizes. The container tags contains start and stop parts, open and close, या both. तो both start and stop and open and close parts. Which tag contains the title tag, HTML, body or head? तो हेड जो होता है वो टाइटल टैग. फिल इन द ब्लैंक्स. HTML प्रोवाइड्स डिफरेंट कोड टू डिज़ाइन इफेक्टिव एंड अट्रैक्टिव वेब पेज. अलग अलग कोड से हम हमारा HTML डॉक्यूमेंट्स इफेक्टिव बना सकते हैं. HTML डॉक्यूमेंट्स हैज टू मेन पार्ट्स. HTML इज द फर्स्ट टैग कंटेंस ईच HTML प्रोग्राम. ये ब्रैकेट में HTML जो होता है ये फर्स्ट टैग होता है. Body tag contains the main part of the HTML program. Body part जो होता है जो main part होता है. We can create HTML program in Notepad file. आप HTML program किस में बना सकते हैं? Notepad में. HTML language is used to create different web browser support. HTML language create करनी है तो हमें web browser support करता है उसी में करना होता है. अब क्वेश्चन नंबर थ्री. राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स. HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. ट्रू. HTML टैग्स हैव द कीवर्ड विच आर डिस्प्ले टू द वेब ब्राउजर. फॉल्स. पैराग्राफ टैग सिंपली यूज टू मेक पैराग्राफ इन योर HTML डॉक्यूमेंट्स. ट्रू. पैराग्राफ से पैराग्राफ होता है. बॉडी इज नॉट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द HTML. फॉल्स. It's a important, very important part. To create heading in title bar, we can use heading tag. False. There are main three kinds of tags available in HTML program. तो यहाँ पे आएगा false. Question 4. Match the following. HTML. Identify the HTML program. Body. Display part of the HTML program. Title contains title of the given program. P paragraph tag. Bold, italic and underline is formatting tag. H1 to H5 is heading tag. तो ये इस तरह सबको मैच करना है. फिर आता है ब्रेन ट्विस्टर जो है आपके लिए, जिसमें डिफाइन करना है आपको HTML, H1 to H5 एंड वेब ब्राउजर. इन तीनों को आपको डिफाइन करना है. ये जो है आपको यहाँ चैप्टर में ही मिल जाएंगे. तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है. वी विल मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर.